बिहार के वैशाली में गंगा नदी में पुल बह गया, कई गांवों से संपर्क टूटा, हजारों लोग प्रभावित भी हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल में भी भर गया पानी, मरीजों को हो रही है भारी परेशानी, लोगों की गाड़ियां हुई बंद। भारी बारिश के बाद पटना में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास में भरा पानी, तेज प्रताप ने ट्वीट कर खुद दिखाया अपने घर का हाल। चंबा जिले के होली चंबा मार्ग पर बारिश के बाद हुआ लैंडस्लाइड, सड़क पर पत्थर गिरने से बंद हुआ रास्ता, लोगों ने की जल्द आवाजाही शुरू करने के बाद। हिमाचल प्रदेश के ऊना में मूसलाधार बारिश के कारण फ्लैश फ्लड आया, रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा, घर खाली करने के लिए मजबूर हो गए वहां के लोग। पंजाब के होशियारपुर में बाढ़ में बही गाड़ी, कार सवार 9 लोग पानी में बहे, शादी समारोह में जा रहा था परिवार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बाढ़ के बीच 13 घंटे फंसा रहा परिवार, जेसीबी मशीन के जरिए परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में खतरनाक लैंडस्लाइड, पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा, मंदाकिनी नदी में आया मलबा। सवाई माधोपुर में बारिश के कारण रणथंभौर के जंगलों में भी सैलाब, त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पास फंसे लोग, प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जयपुर में मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर कानूता बांध, 20 सालों में पहली बार बाढ़ डैम का जलस्तर बढ़ा, नजारा देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। जयपुर में लगातार बारिश की वजह से आज सभी स्कूल रहेंगे बंद, शिक्षा विभाग ने जारी किया ये आदेश। सरदार सरोवर बांध से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी, नर्मदा नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया। सीएम योगी का आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरा, शाम को भारत मंडपम में नितिन गडकरी के साथ हाईवे से जुड़ी परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर पर आम आदमी पार्टी नेताओं की बैठक हुई, सौरभ भारद्वाज समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल और आप के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर सुनवाई, राउस एवेन्यू कोर्ट में आज होगी हियरिंग। शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति का आदेश दिया था। बीआरएस नेता की कविता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, कविता ने सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में मांगी है जमानत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, रामबन डोडा के डीआईजी मौके पर पहुंचे, हालात का निरीक्षण। ओडिशा के भद्रक में घुसपैठ की कोशिश की गई, पुलिस ने 6 संदिग्ध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बॉर्डर पर बांग्लादेश से आए लोगों को समझाते दिए कि बीएसएफ के जवान, कहा हमने आपको भारत में नहीं ले जा सकते। दिल्ली में हिंदू समुदाय का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जताया गया।
म्यांमार में देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे रोहिंग्या पर बड़ा हमला, ड्रोन और तोपों से किया गया अटैक, कई लोगों के मारे जाने की खबर। पाकिस्तान में गहराया आर्थिक संकट, उधार लेकर घर खर्च चला रहे लोग, 56% नहीं कर पा रहे कोई बचत। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और कई इलाकों में पिछड़ रहे ट्रंप, न्यूयॉर्क टाइम्स की सर्वे में किया गया था। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया बेलारूस, युद्ध में लड़ाई के लिए देगा टैंक, तस्वीरें की साझा। रूसी सेना ने कुर्स क्षेत्र में सैन्य ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, टैंक से ताबड़तोड़ हमले करते दिखे जवान। रूसी सेना ने यूक्रेन के पैट्रियट रडार स्टेशन को किया नष्ट, 4 यूक्रेनी मिसाइलें और 71 ड्रोन मार गिराए गए। युगांडा के कंपाला में लैंडफिल साइट ढहने से बड़ा हादसा हुआ, 8 लोगों की मौत की खबर अभी तक आई सामने, बढ़ सकता है मृतकों का यह आंकड़ा, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। अमेरिका ने सऊदी अरब को हथियार बेचने के बैन को हटाया, 3 साल से लगा था प्रतिबंध, यमन में मासूमों के खिलाफ इस्तेमाल के चलते लिया गया था फैसला। पेरिस में एफिल टावर पर चढ़ गया एक युवक, पुलिस ने शख्स को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। रेसलर विनेश फोगाट के मामले में कल आएगा फैसला, विनेश ने सिल्वर मेडल पर दावा करते हुए स्पोर्ट्स मामले की अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में लगाई है गुहार। पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर और पिया सुजेश रहे परेड के ध्वजवाहक, करीब 2.5 घंटे तक चला रंगारंग कार्यक्रम। शाहरुख खान का विदेश में बजा डंका, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में मिला अचीवमेंट अवार्ड, सिग्नेचर पोस्ट से जीता लोगों का दिल। सुपरस्टार के तंबाकू प्रमोट करने पर भड़के मुकेश खन्ना, बोले मैंने अक्षय को डांटा था, आप लोगों को क्या सिखा रहे हो। डॉक्टर अर्जुन रामपाल का एक्स अकाउंट हुआ है, कहा यह अच्छी खबर नहीं है, किसी भी मैसेज या ट्वीट का जवाब। एक्टर सुनील शेट्टी ने मनाया अपना 63वां जन्मदिन, बेटी आतिया शेट्टी ने पोस्ट शेयर कर लिखा आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। फिल्म बनाने के लिए जॉन अब्राहम को करना पड़ा चुनौतियों का सामना, कहा स्टूडियो हेड अक्सर मुझे जवाब नहीं देते थे। जिम में जीतोड़ मेहनत कर रही अनन्या पांडे, उठा रही है हैवी वेट, वर्कआउट का वीडियो किया शेयर। अगले साल शुरू होगी हाउसफुल 5 की शूटिंग, फिल्म के एक्टर अक्षय कुमार ने दी जानकारी। अभिषेक बच्चन का डी फेक वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में ऐश्वर्या राय से तलाक की कही बात, बेटी आराध्या का भी किया जिक्र। द ब्लफ की शूटिंग खत्म कर परिवार के साथ समय बिता रही है प्रियंका चोपड़ा, सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। डायरेक्टर डेविड धवन का ओटीटी एक्टर्स को चैलेंज, कहा अपनी फिल्में थिएटर्स में रिलीज करें, ओटीटी से फिल्म मेकर्स को सेफ्टी। स्त्री 2 की रिलीज डेट में हुआ बदलाव, अब 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म, मेकर्स ने सोशल मीडिया पर साझा की जानकारी, लिखा वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है।